तो किसान भाइयों कैसे हैं आप? मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको कुसुम योजना के बारे में बताया जाएगा और आपको बता दें किसानों को सोलर पंप मिलेगी 90% की सब्सिडी जो कि कुछ स्टेटों में मिलेगी और कैसे करना है इसमें आवेदन और क्या क्या दस्तावेज भी देने हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टूडियो को यही शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले बता दें कि कुसुम योजना से जुड़ी कई सारी फर्जी वेबसाइटें हैं, जैसे कुसुम योजना .in, gov.in, इस तरह करके कई सारी वेबसाइटें हैं जिसपे आपको जानकारी मिलती है। वैसे तो जानकारी जो वहाँ पे मिलती है वो सही एक तरह से होती है, पर उस जानकारी का वो लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे कि अगर आपसे वो अपना आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट में आपको ये दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, सब दे दीजिए, तो आप लोग देते हैं, उससे वो गलत फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ का। तो ऐसे किसी भी फर्जी वेबसाइट से बच के रहिएगा और अपना कीमती रुपया उन वेबसाइटों पर मत दीजिएगा, क्योंकि वो लोग वेबसाइट पर अकाउंट डिटेल ये सब भी मांगते हैं, तो उन सबसे आप बच के रहिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आप बता दें कि जिनकी सरकारी वेबसाइट है MNERE.gov.in, उस पर आपको इस योजना के बारे में कई सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि सोलर पंप जो लगवाना है आपको उस पर क्या सब्सिडी मिल रही है, सोलर से जुड़े मॉड्यूल्स आपको रूफ टॉप हो गया या फिर इन ग्राउंड सिस्टम हो गया, इस सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है। और सोलर या फिर कुसुम योजना से जुड़ी आपको जानकारी लेनी है तो इनकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि करीब 90% तक की सब्सिडी देने की बात की गई है, जो कि कुछ स्टेटों में की गई है। असल में होता क्या है कि इस पे राज्य सरकार का ज़्यादा असर रहता है और राज्य सरकार अलग अलग रूप से आपको सब्सिडी देती है कि सोलर रूफ टॉप पे कितने किलोवाट और कितने मेगावाट का आप कनेक्शन लेते हैं, तो उसके बेसिस पे सब्सिडी मिलती है। ऐसी कई सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आपको बताएंगे इस पे इतनी सब्सिडी मिल सकती है, ये करना है वो करना है, उन पे आप विश्वास मत करिएगा। आप ये जान लीजिए कि हर स्टेट अलग अलग डिसाइड करता है कि हमको कितनी सब्सिडी देनी है। और आपको बता दें कि कुसुम योजना में अब तक सोलर पंप पे वितरित सरकार के बारे में बात करें तो 2022 में अच्छी खासी बजट की बात की गई है, जो कि अभी टोटल डिसाइड नहीं किया गया कि कितना होगा, लेकिन एक अच्छा खासा बजट सरकारों को दिया गया है, राज्य सरकारों को, कि वो आपको इस पर फ़ायदा देखा आपको फ़ायदा मिल सके और सोलर वाटर पंप से जुड़े और कनेक्शन कैसे लेना है इसके बारे में भी आपको जल्द ही इस वेबसाइट पे डिटेलिंग और भी दी जाएगी और आपको इस चैनल में बता भी दिया जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। आपको बता दें कि राज्य के नियम अनुसार मिलते हैं सब्सिडी के लाभ, और आपको बता दें कि राज्य अपने हिसाब से और अपने नियम के अनुसार से सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है। जैसे कि राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में किसानों को सोलर पंप करीब 90% की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा सकता है और किया जा रहा भी है। और आपको बता दें कि अगर हरियाणा के बारे में बात करें तो करीब 75% सब्सिडी की आप किसानों को वहाँ पर सोलर वाटर पंप मिल रही है और उससे वो लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग अगर बात करते हैं तो इस वर्ष करीब 13,800 पंप सेट लगवाने का काम प्रगति पर है और पिछले 7 वर्षों में 25,897 सोलर पंप लगवाए गए हैं और इस तरह अन्य राज्यों में भी सोलर पंप लगाने का काम किया जा रहा है। अभी जो आपको आंकड़े बताए गए हैं वो हरियाणा के हैं और ये अलग और भी जो राजस्थान, यूपी हो गए, यहाँ पर भी लगवाने की बात की जा रही है। और आपको बता दें जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं और यह योजना में पात्र किसान को सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा और फ्री में सोलर पंप लगवाने का मौका भी दिया जाएगा। तो आइए इसके पात्रता के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। कुसुम योजना के तहत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है और आवेदक अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचना क्षमता जो होती है, जो कि दोनों में से जो भी कम हो उसके लिए आवेदन किया जा सकता है। और इस योजना के तहत स्वयं को निवेश से के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योजना की आवश्यकता नहीं होती है और आवेदक द्वारा किसी भी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जाता है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट के अनुसार अनिवार्य है, यानी कि 1 करोड़ रुपया प्रति मेगावाट होना अनिवार्य है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या आवेदकों को अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इस अगर योजना में वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। आपको बता दें कि आवेदन करने वाले का किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, आवेदक करने वाले पासपोर्ट
को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी और किसान की जमीन की जमाबंदी की कॉपी देनी पड़ेगी और अन्य दस्तावेज जो होते हैं उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी होती है वो देनी होगी और ऑथराइजेशन लेटर देना होगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जो नेटवर्थ सर्टिफिकेशन जारी किया जाएगा जो कि विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में देना होगा, उसमें भी आप लोग इसको दे सकते हैं। और कुसुम योजना में सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करना है इसके बारे में भी अभी आपको बताया जाएगा। आवेदकों को आवेदन करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट mne.gov.in पर जाना होगा और आप अपने राज्य के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां से भी इस योजना का आपको फायदा मिल सकता है। तो बात शुरू में इतना ही, उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई समझ में आई होगी। तो ऐसे मेरी वीडियो बनेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करेगा। तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।